वेलकम टू डिवाइन हीलिंग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है, हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग से आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और एक बात और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स की, मेरे पास के ही घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो थोड़ी सी नॉइज़ यहाँ पर हो सकता है, डिस्टर्बेंस दे आपको, सो सॉरी फॉर दिस। नाउ हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप कार्ड से भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ये पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है। ओके, टाइम स्टैम्प्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगी। सो आप अपने इंट्यूशन से सिलेक्ट कीजिएगा पाइल को, आंखें बंद करके याद कीजिए अपने रिलेशनशिप के बारे में, जैसी भी आपकी रिलेशनशिप अभी चल रही है फ़िलहाल में, उसे थोड़ा इमेजिन कीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और देन उसके बाद फिर पाइल सेलेक्ट कीजिए। ओके, सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जो जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट की है, पाइल नंबर 1, ये उनकी रीडिंग है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, सो आप प्लीज़ डोंट माइंड अगर आपसे मैसेज रेजोनेट होते हैं तो लीजिए, नहीं होते हैं तो उन्हें इग्नोर कीजिए। ओके, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए होती है, सो जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं आप उन्हें लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने पहले से ही कार्ड्स आपके लिए निकाल के रखे हैं, ये फ्यूचर के कार्ड्स हैं, यहाँ पर रख देते हैं, और ये पास्ट प्रेजेंट के कार्ड्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले पास्ट के एंजल मैसेजेस भी हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ओके, सो एंजल मैसेज हम यहाँ रखते हैं। सबसे पहले हम पास्ट के कार्ड्स को देखेंगे। ओके, पास्ट में क्या है आप लोगों के लिए। ओके, जजमेंट। ओके, आई होप आप लोगों को शो हो रहा हो। 7 of Pentacles, 6 of Swords, 3 of Wands, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 1 के लिए, एंड 3 of Cups। ओके, यहाँ पे मैं फ्यूचर के भी आप लोगों के पास्ट के सॉरी प्रेजेंट के भी यहाँ पे कार्ड्स में यहाँ पर रख लेती हूँ। ओके, 9 of Pentacles, 3 of Pentacles, 8 of Swords, King of Wands एंड Knight of Pentacles। ओके, ओके, फ्यूचर के कार्ड्स हम गाइस बाद में देखेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है, तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास्ट की। ओके गाइस, ओके फ्रेंड्स, तो पास्ट में मुझे कुछ ऐसे सिचुएशंस यहाँ पे नज़र आ रही है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाया, बहुत ज़्यादा वेट करवाया आपको। ये कार्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, 7 of Pentacles एंड 3 of Wands, बहुत ज़्यादा वेट किया आपने आपके पार्टनर का, आपको एक तरह से लटका के वो कहीं चले गए, मतलब कि ना आपको बताया कि वो आपके साथ मतलब कि रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, आपको कुछ ज़्यादा क्लियर उन्होंने नहीं किया, और कहीं ना कहीं वो मतलब कि आपका रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप दोनों, आपने बहुत वेट किया पास्ट में आपके पार्टनर का, और सबसे पहले तो एक बात नोटिस करने में मुझे आ रही है कि यहाँ पे भी पास्ट लाइफ का कार्ड है, ये कार्ड पास्ट लाइफ का है, और जजमेंट का जो कार्ड होता है ये भी कहीं ना कहीं हमारे पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है, पास्ट लाइफ यानी कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है। तो हो सकता है पास्ट लाइफ से आपका मतलब कि रिलेशनशिप रहा हो, और इस लाइफ में भी आप दोनों मिले, क्योंकि ये डेस्टिनी का रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है, किस्मत ने ही आपको मिलाया है, किस्मत ने आपको मिलाया है, किस्मत आपको करीब लेकर आई है, पर यहाँ पे मतलब कि कुछ क्लियर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आपके पार्टनर के क्या इमोशंस है आपको लेकर, कुछ ज़्यादा क्लियर यहाँ पर नहीं है।
मतलब उन्होंने कभी आपसे शेयर ही नहीं किए उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स कभी आपसे शेयर नहीं की। हो सकता है पहले वो आपके घर के पास ही रहते हों और उन्हें मतलब कि मनी इश्यूज की वजह से जॉब वगैरह बिजनेस वगैरह करने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा हो, वो मतलब कि अकेले भी हो सकते हैं, कहीं दूसरी सिटी में उन्होंने मतलब कि अपना जॉब स्टार्ट किया हो, बिजनेस स्टार्ट किया हो, या अपनी फैमिली के साथ भी वो मतलब फैमिली को लेकर ही वो चले गए हों अपनी जॉब के लिए कहीं बाहर। पास्ट में कुछ मतलब बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा मुझे दिखाई नहीं दिया आपका रिलेशनशिप, बस बहुत ज़्यादा आपने वेट किया, ये ज़रूर है बहुत ज़्यादा वेट किया आपने आपके पार्टनर का, और कहीं ना कहीं बहुत अनसेटिस्फैक्शन रहा आपको इस रिलेशनशिप से। एंड देन थ्री ऑफ कप्स कार्ड से मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि थोड़े टाइम बाद आपके पार्टनर आए भी सही आपके पास, आपने बहुत अच्छी फिर उनसे बात भी की, थोड़ा अटैचमेंट उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की आपसे, बहुत सारे बातें की, बहुत मतलब कि थोड़ा इमोशनली आपको बताया कि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं बात नहीं कर पाया, इस तरीके की बात उन्होंने की होगी आने के बाद। तो ये था आपका पास्ट, मतलब कि कुछ ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे आप आपके पास से। ओके फ्रेंड्स, तो हम अब आपके प्रेजेंट की बात करते हैं। तो पास्ट में आपके जो पार्टनर थे वो मतलब कि बहुत ज़्यादा जॉब वगैरह में फंसे हुए थे, अपने बिजनेस वगैरह में फंसे हुए थे, मनी मेकिंग का वो सोच रहे थे कि कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे अर्निंग की जाए, और यहाँ पर प्रेजेंट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अभी भी ऐसी ही वाइब्स हैं आप दोनों की, मतलब कि अब तो एनर्जी प्रेजेंट में मुझे ऐसी लग रही है कि आप भी करियर ओरिएंटेड हो गई हैं और आपके पार्टनर भी करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। आपने देख लिया कि पास में कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला आपके पार्टनर से आपको, मतलब वो आते चले जाते, ऐसा बार बार चलता रहा पास्ट में, तो आपने सोचा कि चलो अब अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, तो आपने अपने करियर पे ध्यान देना शुरू किया। हो सकता है आपने कहीं जॉब ज्वाइन कर ली हो या फिर आप बिजनेस करने लगी हो, तो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। मुझे यहाँ पर एक वाइब और आ रही है गाइस की प्रेजेंट में मतलब कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, जहाँ बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे कोई एक अच्छा फ्रेंड आपको मिला जिससे आपने आपके सारे इमोशंस, सारी फीलिंग्स शेयर की, बहुत अच्छी बातचीत आपकी उससे होती है, और अभी भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट में भी आप आपके पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि स्टक आप रिलेशनशिप में महसूस कर रही हैं। कोई क्लियर आंसर नहीं है उनकी तरफ से अभी भी कि वो आपके साथ कमिट करेंगे या मतलब नहीं करेंगे। शादी की तो बात बहुत दूर है यहाँ पर, शादी की तो बात मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही है, मतलब इन एंड आउट चलता रहता है उनका, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, और इन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, उनके आने जाने से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, आप सोच रहे हैं कि मूव ऑन कर लें या नहीं करें, और कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अब अपने पार्टनर से आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। तो ये प्रेजेंट की सिचुएशन है आपकी, आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप से, करियर में आपने फोकस स्टार्ट कर दिया है, करियर बनाने में आप लग गए हैं, मनी मेकिंग करने में आप लग गए हैं, और मूव ऑन करने का सोच रहे हैं रिलेशनशिप से। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन है, प्रेजेंट की एनर्जी है। नाउ अब हम फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या चलेगा आपके रिलेशनशिप में, कोई नया पर्सन आपको मिलेगा या इन्हीं पर्सन के साथ आपका फ्यूचर आगे रहेगा। ओके, तो ये कार्ड्स मैं थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कार्ड्स हैं फ्यूचर के आप लोगों के, सिक्स ऑफ वैंड्स, द लवर्स। ओके, मतलब कोई नए पार्टनर की एंट्री हुई होगी आपकी लाइफ में फ्यूचर में। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई नया पार्टनर फ्यूचर में आएगा आपकी लाइफ में, जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्यार आपको देगा, अनकंडीशनल लव मुझे दिखाई दे रहा है, आपका वेट कर रहा है फ्यूचर में आपके लिए। ये देख रहे हैं कार्ड्स आप, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। कोई ऐसा पर्सन जो मतलब आपके साथ अपनी फीलिंग्स, इमोशंस सब कुछ शेयर करेगा, और आप भी उनके साथ सब कुछ शेयर करेंगे, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, मतलब एक दूसरे की फीलिंग्स की वैल्यू होगी इस रिलेशनशिप में, एक दूसरे को कदर होगी एक दूसरे की, एक दूसरे के प्यार की वैल्यू होगी, एक दूसरे में रिस्पेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा पैशनेट लव होगा, अट्रैक्शन होगा इस रिलेशनशिप में जो आपका मतलब कि फ्यूचर में आने वाला है आपके लिए। एक ऐसा पर्सन आपके लिए मतलब कि मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा पर्सन होगा वो जो मतलब आपको बहुत ही जल्दी आपका दिल जीत लेगा, बहुत ही जल्दी, थोड़ी से टाइम में ही वो आपका दिल जीत लेंगे, आपके मतलब दिल पे राज हो जाएगा उनका, इस तरीके से मुझे यहाँ पे वाइब्स दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी आपको जीत लेंगे वो, और बहुत ही जल्दी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आ रहे हैं आपके लाइफ में। कहीं ना कहीं मुझे मतलब लगे फ्यूचर में आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि आपके जो नए पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं उन्हें हाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो पास्ट में आप लोगों ने मतलब कि फेस किया, इतना सारा वेट, इतनी सारी स्टकनेस जो आपने पास्ट में फेस की, उसको लेकर आप थोड़े से डरे हुए मुझे यहाँ पर लग रहे हैं फ्यूचर में, कि आप थोड़े से डरे हुए रहेंगे अपनी नई रिलेशनशिप को लेकर कि हाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो मतलब पहले हुआ वो दोबारा से ना हो जाए, इस तरीके की फीलिंग आपके अंदर होगी मुझे ऐसा लग रहा है। ओके गाइस, सो मैं यही कहूँगी कि मतलब आप अपने इंट्यूशन से काम लें, ठीक है, अपने इंट्यूशन से काम लें, फ्यूचर में जो भी आपकी लाइफ में आए आप सोच समझ के अपने इंट्यूशन से काम लें, टेंशन ना लें। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है वो थोड़े टाइम की सिचुएशन है, माइनर काना कार्ड्स है, ये थोड़े टाइम की सिचुएशन है, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है या इसमें ही रहना है, बहुत जल्दी आपको समझ में आने वाला है कोई नया पर्सन क्योंकि आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। ओके तो हमें ये मैसेजेस भी देखने थे। ओके तो जो भी आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए ये आया है, यहाँ पर एंजल का मैसेज आया है कि नो मैसेजेस यहाँ पर आया है एंजल का, इसे मैं यहाँ रखूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो हो सकता है यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके यही पार्टनर जो अभी प्रेजेंट में आपके ये पार्टनर हैं वो पूरी मतलब कि चेंज होकर दोबारा से आपकी लाइफ में आए, चेंज होकर पूरी उनकी फीलिंग्स चेंज करके आपके लिए वो दोबारा से आपको प्रपोज करे, अपने दिल की बात आपको कहे, ये भी हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई नया पार्टनर उनकी लाइफ में आए फ्यूचर में, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वही पार्टनर जो अभी प्रेजेंट में आपके पार्टनर हैं, वही पार्टनर आपसे आपका मतलब कि लव कन्फेस करे, आपसे आकर दोबारा से वो आए और लव कन्फेस करे आकर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है उन्होंने ब्लॉक किया है या आपने उन्हें ब्लॉक किया है, कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मूव ऑन करने का सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिलहाल प्रेजेंट में मैं यही कहूँगी एंजल के मैसेजेस को देख कर कि नो, अभी आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है आपको सिचुएशन को, थोड़ा सा उनको आपके पार्टनर को समझने की आपको ज़रूरत है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर कोई डिसीज़न लीजिएगा अपने इंट्यूशन से, फिर आप कोई मूव ऑन कीजिएगा। ओके सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा। ओके और मुझे सजेस्ट कीजिएगा किस टॉपिक पे आप लोगों के लिए मैं वीडियोस लेकर आऊँ। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो फ्रेंड्स, तो जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट की है ब्रेक थ्रू, तो ये मैसेजेस, ये पाइल उनके लिए है। ओके गाइस, ये सब जो होती हैं जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो प्लीज़ आप जो मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें लीजिए, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, टेंशन मत लीजिए। ओके तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का हमने कार्ड्स निकाले हैं, तो ये जो है पास्ट के कार्ड्स हैं आपके, और ये एंजल मैसेजेस हैं। तो पास्ट के कार्ड हम देख लेते हैं पहले। किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, द एम्परर। ओके तो ये सारे आपके पास्ट के कार्ड्स हैं। अब हम प्रेजेंट के भी देख लेते हैं, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है आपके साथ। ये प्रेजेंट के कार्ड्स हैं आपके। ओके, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके फ्रेंड्स, तो पास्ट के कार्ड हम पहले देखेंगे। सबसे पहले मुझे ये वाइब आ रही है कि कहीं ना कहीं आप पास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान रह चुके हैं। हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स हुआ हो पास्ट में, हो सकता हो ब्रेकअप हुआ हो, कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप में थे उन लोगों का ब्रेकअप हो सकता है हुआ हो। इमोशनली हर्ट हुए हैं आप बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हुए हैं आप पास्ट में। ये देख रहे हैं आप दो कार्ड्स, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं आपकी पार्टनर की वजह से आप इमोशनली पास्ट में। पहले सब कुछ अच्छा था, पहले सब कुछ अच्छा था, ये अपने काम में बिजी थे, आप अपने काम में बिजी थे, बट अचानक से कुछ ऐसा हुआ था आपके पास्ट में जो आपको इमोशनली हर्ट कर गया। आपके पार्टनर आपसे थोड़ा एज में बड़े भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप थोड़े से यंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट अट्रैक्टिंग है आप, हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, अट्रैक्टिंग है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी। बट यहाँ पर देखा जाए तो प्रेजेंट में भी कुछ सिचुएशन मुझे ठीक नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आप स्टॉक हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा मुझे नेगेटिव वाइब्स प्रेजेंट में दिखाई दे रही है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपने मूव ऑन कर लिया, प्रेजेंट में बहुत जल्दी आपने डिसीजन ले लिया मूव ऑन करने का गाइस, और अब आप उसकी वजह से, मूव ऑन करने की वजह से अभी भी आप उनके बारे में सोचते हैं, अभी भी आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है कि आपने सही किया या नहीं किया, बिकॉज आपको अटैचमेंट बहुत था, आपकी रिलेशनशिप में अटैचमेंट था, इमोशंस भी थे, बट इमोशनली हर्ट होकर आपने ब्रेकअप कर लिया, आपने ब्रेकअप कर लिया, आपने मूव ऑन कर लिया उनसे, बिकॉज आपको लगता था शायद इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। इस रिलेशनशिप में आपको हमेशा यही फीलिंग हुई कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा किया, उन्होंने इतना नहीं किया जितना आपने किया उनके लिए। हमेशा केयर करना, हेल्प कर देना, वेट करना, सब कुछ आपने किया, उनकी तरफ से कुछ मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। बट ऐसा नहीं है कि वो आपको याद नहीं करते हैं, वो भी आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। सो ये प्रेजेंट की आपकी सिचुएशन है गाइस। कहीं ना कहीं किसी मनी मैटर में भी आप मुझे फंसे हुए लग रहे हैं प्रेजेंट में। ओके गाइस, तो अब हम देखेंगे आपके फ्यूचर के क्या कार्ड्स हैं। बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में आप फंसे हुए हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है फ्रेंड्स, आप हीलिंग कीजिए अपनी, अच्छा सोचिए, अच्छी वाइब दीजिए आपके पार्टनर को। ओके तो टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, ओके फाइव ऑफ कप्स। तो फ्यूचर में भी मुझे कुछ ज़्यादा
यहाँ पे अच्छी सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है गाइस। मैं यहाँ पे कुछ भी शुगर कोट करके नहीं कहूँगी, जो रियल है, जो कार्ड्स आए हैं, जो मैसेजेस आए हैं डिवाइन की तरफ से, वही मैं आपको कहूँगी। सोचा तो आपने बहुत कुछ हुआ है फ्यूचर के लिए कि आप शादी करेंगे, साथ में अपना घर बनाएंगे, बहुत सारी विशेस हैं आपके आपके पार्टनर के साथ, बट वो नज़र नहीं आ रही है फुलफिल होते हुए। आप दोनों में से कोई भी एक मूव ऑन कर लेगा फ्यूचर में भी, आप दोनों में से एक कोई भी मूव ऑन कर लेगा। अगर दोबारा से प्रेजेंट में आप मिलते हैं, पर फ्यूचर में भी आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा बेटरमेंट होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे इनको लेकर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फ्यूचर में भी बहुत सारी निराशा मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में फ्रेंड्स, बट आप परेशान मत हुई है, डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाहती है इस सिचुएशन से। आप उसे जानने की कोशिश कीजिए कि डिवाइन आपको क्या सिखाना चाहती है, इस रिलेशनशिप में क्यों आपको लेकर आई है डिवाइन, गॉड आपको क्यों लेकर आए हैं इस रिलेशनशिप में। आप अपने आप की हीलिंग कीजिए, जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है क्लियर अपने माइंड में करिए कि क्या करना है मुझे इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं मुझे फ्यूचर में आप तो मनी को लेकर भी परेशान दिख रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है फ्यूचर में आपको, थोड़ा सा अभी से ध्यान देने लगे आप, क्योंकि यहाँ पर भी कार्ड आया है पेंटिकल्स का, और फ्यूचर में भी ये कार्ड आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का। मुझे लग रहा है कि अभी भी आप मतलब प्रेजेंट में भी आप कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा, जो आपको परेशान कर रहे हैं। हो सकता है वो फाइनेंशियल इश्यूज आपको इनकी तरफ बढ़ने ना दे रहे हों, क्योंकि आपके ऊपर फोर्स हो अर्निंग का, इंडिपेंडेंट होने का, करियर का, हो सकता है ऐसा। ओके, तो जो भी है गाइस, मुझे यहाँ पे ये ब्रेक थ्रू का कार्ड नज़र आ रहा है आपके लिए। कोई पर्सन, कोई उजाले की किरण ईश्वर आपको ज़रूर भेजेंगे, ठीक है। आपको जस्टिस मिलेगा, आपने जितना किया है आपके पार्टनर के लिए उतना आपको ज़रूर मिलेगा, रिपीट आपको ज़रूर मिलेगा। बस आप अच्छा सोचिए, अच्छी वाइब दीजिए उनको, अच्छा सोचिए, टेंशन मत लीजिए। ओके, अब एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं हम देख लेते हैं। ओके, कम्युनिकेशन क्लियरली। तो जो भी आपके माइंड में चल रहा है, यहाँ पे भी ये कार्ड आया था, जो भी आपके माइंड में चल रहा है फ्यूचर में भी कम्युनिकेट कीजिएगा क्लियरली अपने पार्टनर से, या किसी भी सिचुएशन में आपको ज़रूरत पड़े तो अपनी बात को रखा कीजिए, आप दिल में मत दबा के रखिए, उसे बाहर निकालिए, अपने फ्रेंड से कहिए, मतलब कुछ ज़्यादा टेंशन है जिससे भी आप कह सकते हैं उससे शेयर कीजिए। ओके, और यहाँ पे भी ये कार्ड प्रेजेंट में आया है, बहुत ज़्यादा दिल में छुपा के रखते हैं बातों को, आप सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें परेशान कर रही है आपको। किसी से शेयर कीजिए जो आप रिलायबल जिसे समझते हैं अपनी लाइफ में, कोई फ्रेंड तो होगा आपकी लाइफ में जो मतलब आपके क्लोज होगा, उससे अपने दिल की बात कीजिए, आपकी टेंशन वो दूर करेंगे। फ्रेंड्स होते ही टेंशन दूर करने के लिए, फ्रेंड्स ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, तो एंजल की तरफ से मैसेज है कम्युनिकेट कीजिए, क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, हो सकता है इससे आपको थोड़ी हेल्प मिले। ओके, एंजल्स कह रहे हैं कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली, जो भी आपके दिल में है, जो भी आपके माइंड में है, वो कम्युनिकेट आप कीजिए, अपने पार्टनर से बात कीजिए, जो भी आप सोच रहे हैं। ओके, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, उसके बारे में मत सोचिए, बिल्कुल जस्टिस देगी आपको डिवाइन। ओके फ्रेंड्स, तो डोंट वरी अबाउट दैट, और मैं यही कहूँगी कि
ये जो होती है जनरल रीडिंग्स होती है, तो प्लीज़ इनके बेसिस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये रीडिंग्स होती हैं जो आपके इंट्यूशन के, आपको अपने इंट्यूशन का यूज़ करना है। ओके, इंट्यूशन का यूज़ कीजिएगा, कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिएगा, जो आपको सही लगे वही कीजिएगा। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले 100 बार सोचिएगा कि वही आपको करना है। ओके, सो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।